यो व्हाट्सअप कैसे क्या सबसे पहले वेलकम बैक टू माई चैनल गेमर हुसैन। तो गाइस मैं बच्चे बचाते यहाँ पे पिलेजर आउटपोस्ट से आ चुका हूँ और आज की वीडियो में कैसे भी करके भाई मुझे फुली प्रिपेयर होना ही होना है। अब देख सकते हो कितनी बैंड बजाई हाफ हार्ड में छोड़ दिया है इन्होंने मुझे। और यहाँ पे जल्दी से पहले तो एक डायमंड का आर्मर बना लेते हैं अपने लिए। और हमारी इन्वेंट्री में देखो भाई बिल्कुल भी जगह ही नहीं है, तो जल्दी से एक चेस्ट बना के इधर पे मैं सारा सामान रख देता हूँ। चेस्ट ऑलरेडी है मेरे पास और मैंने सारा सामान रख दिया यहाँ पे, सिर्फ ज़रूरी का सामान ही यहाँ पे रखूँगा मैं। और अपने डायमंड का सारा डायमंड का आर्मर बना लिया और थोड़े से टूल्स भी बना लिए डायमंड के, बचे हुए डायमंड्स मैंने रख दिए और मैं यहाँ पे सो गया। और यहाँ पे मुझे गुड मॉर्निंग करने के लिए एक ड्रोन आया था, तो भी मैंने भी इसे गुड मॉर्निंग कह दिया। और मुझे यहाँ पे ग्लिच से एक चेस्ट दिखा और मुझे यहाँ पे लकीली चेस्ट मिल भी जाता है जिसमें 5 डायमंड 9 एमरल्ड्स, इससे अच्छी कोई लूट नहीं थी। और हाफ हार्ट ऑफ द सी। और मैं यहाँ पे पहले तो अपने विलेजर्स को यहाँ पे शिफ्ट करना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत छोटी सी जगह है 3 विलेजर्स के लिए और मैं बहुत सारे विलेजर्स बनाना भी चाहता हूँ। तो पहले से बस सिंपली वुडन का स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल जो भी है। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक छोटा सा घर टाइप बिल्ड कर दिया है और जल्दी से जाके हम यहाँ पे अपने वहाँ से विलेजर्स लगाते हैं। फॉर्म के नज़दीक ही है तो वीट लगा के हम बाजू में ही ट्रेड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 3 विलेजर्स को ला दिया है, पता नहीं क्यों ये बार बार भाई रोलर कोस्टर खेल रहे थे। और मैंने सारा बिल्ड कर दिया है, मेरे को बस 4 स्टोन्स चाहिए क्योंकि मुझे चाहिए बटन्स। और मैं और ये है हमारा प्यारा सा टाउन हॉल जो कि मैंने बहुत सारे बेड्स लगा के रख दिए हैं यहाँ पे। और बहुत सारे विलेजर्स भी बनाने हैं हमें, सिर्फ 3 ही विलेजर्स है, हम इस सारी लाइन को फिल कर देंगे। और मैंने यहाँ पे बहुत सारा ग्राइंड करके विलेजर्स को बनाया और ये ग्लिस्टरिंग मेलन देने लगा मुझे। मैंने सोचा था कि सारे वीट वाले सिर्फ गोल्डन कैरेट्स ही देते हैं अपग्रेड होने पर। और थोड़े से लाइब्रेरियंस, ये शार्पनेस 4 और स्माइट 5 दे रहा है हमें। और ये वाला विलेजर हमें दे रहा है स्माइट 5, एफिशिएंसी 5 और पावर 3। और ये वाला विलेजर मैंडिंग दे रहा है 34 एमरल्ड्स पे। मेरे पास 3 एमरल्ड्स के विलेजर्स है और ये नॉकबैक 2 और शार्पनेस 2 दे रहा है हमें। और ये वाला विलेजर बेंडिंग दे रहा है 26 एमरल्ड्स पे। और ये वाला विलेजर हमें दे रहा है सिल्क टच 12 एमरल्ड्स पे। तो अगले वाला विलेजर दे रहा है लूटिंग 2 इन्फिनिटी 1। और ये वाला विलेजर हमें दे रहा है मेंडिंग 1 20 एमरल्ड्स पे। और ये लूटिंग 3 दे रहा है हमें और क्विक चार्ज और एफिशिएंसी 4 दे रहा है और डेप्थ ट्रेडर 2। और ये वाला विलेजर हमारा लास्टली प्रोटेक्शन 4 दे रहा है। और मैंने बस 2 ही फार्मर्स बनाए हैं, सारे मैंने लाइब्रेरियंस बना दिए हैं और मैंने जितना भी ट्रेड से आया सामान यहाँ पर रख दिया है। तो फटाफट थोड़े इंचैंटमेंट्स को ख़रीदते हैं जैसे कि प्रोटेक्शन 4। हमें तो पहले तो बुक्स चाहिए इनसे, तो बुक्स का ये सस्ता जुगाड़ है। और 4 प्रोटेक्शन 4 चाहिए हमें, प्रोटेक्शन वाला कहाँ, हाँ ये रहा प्रोटेक्शन वाला। और एमरल्ड सारे मैंने लेके आ चुके हूँ और मैं सारे टूल्स के लिए मेंडिंग ले लिया। और यहाँ से सिल्टच अभी नहीं चाहिए हमें। और इन्फिनिटी में सारे आर्मर्स और टूल्स के लिए एंचैंटमेंट्स खरीदता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद मैं भाई बो को एंचैंट करने के लिए भाई
वो के लिए सिर्फ इन्फिनिटी और पावर 3 था मेरे पास, और मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, जो कि था मेरे स्वॉर्ड पे भाई वो लगाना, नॉकबैक लगाना। और मैंने यहाँ पे सारे आर्मर पे प्रोटेक्शन 4 और मेंडिंग 1 से एन्चेंट कर लिया है, और सारे टूल्स पर भी एन्चेंट कर दिया है, और मेरे यहाँ पे एक्सपी कम हो चुकी है। तो मैं जाता हूँ थोड़े मॉब्स को मार के एक्सपी लगाने। और मैं यहाँ पे पता नहीं क्यों क्या भाई बार बार गलत एन्चेंटमेंट्स लगा रहा था। शार्पनेस 4 और शार्पनेस 4 को मिलाना था। पहले मैंने शॉर्ट पे शार्पनेस 4 डाल दिया, और उसके बाद फिर से मैंने स्वॉर्ड पे शार्पनेस 4 डाल दिया। भाई फायर एस्पेक्ट वाला मिला था, बट मैंने पता नहीं क्यों ही उसे एक जॉब से हटा के फिर से जॉब दिया। और हम रेड करवाएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबडी एंड बाय बाय।